नमस्कार दोस्तों, जय गांव मीरस में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से आप सभी का डिमांड था कि क्षेत्र क्षेत्र घूम के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया जाए और आप सभी के समक्ष इसका विजुअल साझा किया जाए। तो आज से जय गांव मीरस टीम निकली है सेंट्रल डुअर्स क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने के लिए और आप सभी को दृश्य दिखाएंगे। फिलहाल इस समय हम लोग अभी जस्ट क्रॉस किए हैं खोखला बस्ती क्षेत्र को, बासरा नदी को क्रॉस करते हुए अभी हम लोग पहुँचे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिलीव इन टी सेंट्रल डुअर्स, एक पीछे में आपको वेलकम करता हुआ एक बोर्ड दिख जाएगा और हम लोग यही रास्ता लेते हुए हम लोग आगे जाएंगे। रास्ता काफ़ी कठिन होने वाला है, लेकिन आप सभी के लिए हम लोग ये सफ़र तय करके यहाँ के सेंट्रल डुअर्स क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का क्या समस्याएँ हैं, क्या ज़रूरतें हैं, वो सब आप सभी के समक्ष में साझा करेंगे। बने रहिएगा इस सफ़र में। दोस्तों, सफ़र आगे जारी रहेगा, लेकिन इस समय हम लोग पहुँचे हैं सेंट्रल डुअर्स क्षेत्र के बासरा गांव में और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे आज भी उसी तरह से 21वीं सदी में उसी तरह से लोग जीवन व्यापन करने के लिए मजबूर हैं जिस तरह से कई सदियों से लोग यहाँ पे रहते आए हैं। यहाँ का मुख्य साधन अगर कहें तो एक चाय बगान है और दूसरा पड़ोसी मित्र देश भूटान का पासका में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे। हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, काम वहाँ का हो नहीं रहा है, लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। क्या समस्याएं हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? विशाल हसदक। अच्छा, क्या करते हैं आप? अभी तो कुछ नहीं, पहले पासका में काम करते थे। अच्छा, तो फिलहाल घर तरफ है। तो अभी कैसे करके जीवन व्यापन कैसे करके होता है? जीवन व्यापन करने जो पासागम पहले वहाँ, तो पहले मैं सुपरवाइजर कर रहा था जी, तो वहाँ से जितना कमाई होता था कमाई के जो बैंक में रखा हुआ था अभी वही से गुजारा चल रहा है। तो अभी फिलहाल कोई काम कुछ नहीं है आपका? कुछ नहीं है अभी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ के लोग का मुख्य रोजगार का साधन क्या है? यहाँ के लोग का मुख्य साधन चाय है, चाय पत्ती बगान में काम करना, वही है। अच्छा, यहाँ पे आपका यहाँ का इस गांव का कितना पॉपुलेशन होगा, कितना लोग होंगे यहाँ, वोटर्स कितने होंगे? वोटर्स इस बार जो नया बनवाया है वो मिला के 1300-1400 के बीच होंगे। 1300-1400 के बीच होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे 1300-1400 लोग इस गांव में रहते हैं, निवास करते हैं और समस्याएं जो हैं वो भी हम जानकारी लेंगे। भैया ये बताइए, यहाँ पे क्या क्या समस्याएँ हैं? समस्या तो बहुत है यहाँ पे, कुछ 4-5 गिना दीजिए। और समस्या बोलने से आप, यहाँ जो बच्चे हैं स्कूल पढ़ने के लिए असुविधा है, जब बरसात महीना आते तब जो नदी पार होकर जाना पड़ता है, उसी कारण यहाँ से जो बच्चे हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं सकते हैं। और दूसरा बोलने से जो सरकार का जो सुविधा मिलना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं है, और ऐसी बहुत है। और जैसा कि हम लोग आ रहे थे खोखला बस्ती क्षेत्र होकर नदी पार करके आए, वहाँ पे ब्रिज का कोई व्यवस्था नहीं देख रहे हैं। काफ़ी अरसों समय पहले ब्रिज का कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, आज तक वहाँ पे ब्रिज नहीं बन पाया, इसको लेकर ग्रामीण लोगों का क्या कहना है? ग्रामीण लोगों का क्या कहना है, वो लोग जब इलेक्शन आते हैं तब बोलते हैं, जब बड़े बड़े नेता आते हैं, आप लोगों के लिए हम ये बना देंगे, वो पुल बना देंगे, लेकिन वो केवल वोट मांगने केवल आते हैं। उसके बाद जो वोट चला गया तो चला गया, वो जो आदमी बोला है नेता वो वापस नहीं आते हैं। तो इलेक्शन तो आता रहेगा जाता रहेगा दोस्तों, लेकिन मुख्य समस्याएं हैं, लोगों को
आज तक उसका समाधान नहीं मिला है। और अभी हम लोग रास्ता से आ रहे थे, जैसा कि देखे कि वहाँ पे एक सब सेंटर था, हेल्थ सेंटर था, तो बंद देखा गया, कुछ उसका अवस्था भी ख़राब देखा गया। तो क्या यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के लिए क्या सुविधाएं हैं आप लोग का? जितना जानकारी है हेल्थ के लिए, तो मोटा मोटे जो औरतों के लिए जो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, अभी तक तो सुविधा थोड़ा दिए हुए हैं, लेकिन जो हेल्थ सेंटर जो रिपेयरिंग अभी तक नहीं, जो बनाया फर्स्ट स्टार्टिंग बनाया वही है। आज तो देखे कि बंद था, इस समय भी बंद देखा गया, कोई हेल्थ सेंटर में कोई देखा नहीं गया। आते हैं क्या वो लोग? आने तो आते हैं, लेकिन कब आते हैं वो कोई बोल नहीं सकते। तो दोस्तों ये है हकीकत ग्रामीण क्षेत्रों का। सरकार कहती है, नेताएं आते हैं, वादा करके जाते हैं, लेकिन आने वाले इलेक्शन में फिर से नेता आएंगे, फिर से वादा करके जाएंगे, लेकिन हम लोग 21वीं सदी में हैं, आज भी लोग वादों के भरोसे ही जीवन व्यापन कर रहे हैं। भैया, अगर आपसे हम पूछे कि अगर इलेक्शन आ रहा है, आप पांच कुछ काम अगर आप बोलेंगे कि आप ये काम कर दो नेताजी, हम आपको वोट देंगे, या वोट तो खैर तो आप तो देंगे ही, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि पांच ऐसा काम जो आप चाहेंगे कि आपके गांव के लिए हो, तो क्या क्या समस्याएं, आप क्या क्या काम कराना चाहेंगे? मैं अपने मुख से बोलने से पहले, हम जो हमारे इस बासरा के सर हैं, मैं उनके मुख से सुनना चाहता हूँ, जो हमसे सीनियर है हम लोग। जी जी, आपका नाम क्या बताएं? विशाल हलदार। विशाल हलदार, चलिए विशाल हलदार जी, काफ़ी सारे समस्याएं यहाँ का बताएं, और यहाँ क्षेत्र के निवासी हैं, यहाँ के अध्यापक भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोसन टोपो, मैं पैरा टीचर हूँ। अच्छा, पैरा टीचर हैं। प्राइमरी। अच्छा, तो ये बताएं, आप यहीं के निवासी हैं, कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? जन्म से। बाई बर्थ आप, तो आपसे बेहतर इस गांव के बारे में शायद ही किसी को पता होगा। तो ये बताएं, यहाँ के पांच मुख्य समस्याओं के बारे में अगर मैं पूछूं तो आप थोड़ा बताएं। मैंने आदमी का तो बहुत है, सबसे पहले तो शिक्षा, शिक्षा का समस्या है, बहुत है, बहुत है एकदम, यहाँ तो नहीं के बराबर है शिक्षा एकदम, मैंने मोटा मोटी सभी बगान में ऐसी है, हम लोग का तो यहाँ बहुत ही मुश्किल है सेंट्रल रस में तो। अच्छा। हाँ, उसके बाद में पानी, हम लोग जो गंदा पानी पीता है अभी, पानी का समस्या, इतना गंदा पानी पीता है एकदम बोलने के लायक नहीं है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं, बस चल रहा है चल रहा है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। उसके बाद में इधर नदी को, नदी में जो बोल्डर कैरिंग करता है अभी, माने हम लोग का धरोहर है ना ये तो। हाँ हाँ, इसको एकदम निकाल निकाल के ले, पीछे तो हम लोग का तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको तो भरपाई नहीं करेंगे हम लोग। सरकार के तरफ से ब्रिज नहीं बन रहा, लेकिन जो बोल्डर है, आपको बता दे काफ़ी मात्रा में इस नदी से बोल्डर विदेशों में जाता है, चाहे आप बांग्लादेश कहें या कोई और क्षेत्र कह लें, और यहाँ के लोगों का समस्याओं का समाधान नहीं होता। और क्या समस्या है? और हेल्थ सेंटर, हम लोग कल परसों SSB का मीटिंग गया था, तो हमने बोला तो हाथीमारा और पाना, हम लोग चार डिवीजन है, तो वहाँ दो डिवीजन के डॉक्टर लोग आज मंगलवार है वहाँ आए हुए थे, लेकिन हम लोग अपने यहाँ डॉक्टर का नाम निशान नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? ये लोग तो खाली अपना हाजिरी देकर आते हैं। आज भी हम लोग आए तो देखे हैं कि हेल्थ सेंटर बंद था, हालांकि वहाँ लिखा था शनिवार रविवार, शायद हेल्थ सेंटर के बारे में लिखा था, शायद बंद होता होगा, वो अलग बात है, लेकिन आज मंगलवार है, आज मंगलवार के दिन में अगर बंद है, आज कोई सरकारी छुट्टी भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो उस दिन अगर हेल्थ सेंटर का यह अवस्था है, अगर हेल्थ का अगर इस तरह से लोग निर्भर रहेंगे तो उनका क्या होने वाला है, ये तो भगवान भरोसे ही कहा जा सकता है कि आप लोग सब भगवान भरोसे ही हैं। सब भगवान भरोसे ही हम लोग हैं। और बगैर पड़ोसी देश में फैक्ट्रियाँ हैं, आज तो बंद है काफ़ी समय से, लॉकडाउन के वजह से, कोरोना काल के वजह से लोग काफ़ी सारे काम करते थे, समस्याएं होती है? वो समस्याएं होती है, हम लोग का तो प्रॉपर है यहाँ का, मैंने बहुत लोग यहाँ के जिस बगान में तो सभी वर्कर नहीं है ना, जो बाकी सब यहाँ पैसा का में जाते थे ना, पैसा का बंद होने से अभी सब पलायन उधर, कोई कश्मीर तो कोई बेंगलोर तो कोई कहाँ कहाँ पलायन कर रहे हैं। और प्रदूषण के वजह से कुछ समस्या होती है? प्रदूषण तो बहुत काफ़ी मात्रा में हुई है, हैं हम लोग का भी जो टीना है ना सब सड़ जाता है, सबका हालत खराब, इसलिए स्पेस लगाए हैं सबको, सब समुच्चय टीना खत्म हो गया, मेन टीना एकदम खत्म हो गया अभी। तो और क्या समस्याएं हैं? पढ़ाई लिखाई का समस्या है, पीने का पानी का समस्या है, एक ब्रिज तो बहुत ज़रूरी है,
शायद सपना पूरा होने जैसा है, और हेल्थ का भी समस्या है, और एक कोई समस्या आप बताएं। हम लोग का यहाँ पर रास्ता जो बनाया जाता है ना, एकदम पहले से भी एकदम है, अभी 25 साल हो गया। हम तो वहाँ पे इंजीनियर को बोला कि आप लोग का रहते रहते, आप लोग तो लोकल है यहाँ पर, हम लोग आते हैं, कम से कम आप लोग को तो कोई भी नहीं जानता होगा। ऐसा किस्म का 3 महीने में ख़त्म हो जाता है पिच रोड, 3 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, हकीकत क्या है इसी से रूबरू कराने के लिए आज जयगांव मिरर्स की टीम निकली है, और आगे भी सफ़र जारी रहेगा। काफ़ी सारी समस्याएं हैं जनता का, और इस समस्याओं को प्रशासन के समक्ष हम लोग साझा करेंगे, आप जनता के सामने भी हम लोग रखेंगे, आप व्यूअर्स के साथ भी हम लोग साझा करेंगे। आगे सफ़र चलता रहेगा। जाते जाते यही कहूँगा यहाँ से कि नेतागण आए, इलेक्शन भी आ रहा है, फिर से आप आएंगे, लेकिन जो 5 समस्याओं का मैंने यहाँ इन्होंने बताया है, उसका सॉल्यूशन के लिए, उसका हल के लिए, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आप लोग कार्य करें। समस्याएं अनेक है, ग्रामीण क्षेत्र है, चाय बागान पे निर्भर करता है, पड़ोसी देश में भी काम करके रोजी रोटी चलता है, रोजगार का भी काफ़ी समस्याएं हैं। अभी कुछ महिलाओं को जाते हुए मैंने देखा, 100 दिन का कार्य चल रहा है तो कुछ रोजगार हो जा रहा है, लेकिन रोजगार के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है, एजुकेशन के नाम पे यहाँ पे ना के बराबर है। समस्याएं अनेक हैं, निवारण करने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ कि प्रशासन अपनी आँखें खोलेंगी। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा, सफ़र आगे जारी रहेगा। चलते हैं कुछ और जगहों से, आप सभी को और दृश्य दिखाते हैं। Rainy Nail Factory, manufacturer of all types of iron nail, detergent powder, toilet cleaner and liquid hand wash. For trade inquiry, please contact Rainy Nail Factory, near Jaigaon Fire Station, Jaigaon, District Alipurduar, West Bengal. Contact +918 9673353321, +975 1760343. Email mushahidkumar57@gmail.com.